दोस्तों क्या आप जानते हैं कितने योद्धा मरे थे महाभारत के युद्ध मैदान में, फिर इतने सारे शवों का अंतिम संस्कार किस प्रकार हुआ था, चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व में मिलता है। दोस्तों जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था तब महर्षि वेदव्यास की आज्ञा पाकर धर्मराज, युधिष्ठिर आदि सब पांडव महाराज धृतराष्ट्र एवं श्री कृष्ण के साथ कुरुकुल की स्त्रियों को लेकर रण क्षेत्र की ओर चले। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन विधवा स्त्रियों ने युद्ध में मरे हुए अपने भाई, पुत्र, पिता और पति आदि को देखा। उस भीषण संहार भूमि को देखकर वे राज महिलाएं चित्कार करने लगी थीं। तब धृतराष्ट्र ने अपने अज्ञान जनित मोह को दबाकर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर इस युद्ध में जो सेना मारी गई है उसके परिमाण का तुम्हें पता हो तो हमें बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज इस युद्ध में 1,66,20,000 वीर मारे गए हैं। इनके सिवा 14,000 योद्धा अज्ञात हैं और 10,165 वीरों का और भी पता नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाबाहो मैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हूँ, इसलिए यह तो बताओ उन सब की क्या गति हुई है। युधिष्ठिर बोले, महाराज जिन सच्चे वीरों ने इस युद्धाग्नि में अपने शरीरों को हर्ष पूर्वक होमा है वे तो इंद्र के समान ही पुण्य लोकों को प्राप्त हुए हैं। जो यह सोचकर कि एक दिन मरना तो है ही इसलिए लड़कर ही मर जाओ, हर्षहीन हृदय से लड़ते लड़ते मारे गए हैं वे गंधर्वों के साथ जा मिले हैं, और जो संग्राम भूमि में रहते हुए भी प्राणों की भिक्षा मांगते या युद्ध से भागते हुए शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं वे यक्षों के लोक में गए हैं। किंतु जिन महापुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था, जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन भी नहीं रहा था, जो शस्त्रहीन हो गए थे और बहुत लज्जित होने पर भी जिन्होंने शत्रुओं के सामने पीठ नहीं दिखाई, इस प्रकार शास्त्र धर्म का पालन करते हुए जो तीखे शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गए थे वे तो ब्रह्म लोक को ही गए हैं। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। इनके सिवा जो लोग किसी भी प्रकार इस युद्ध भूमि के भीतर मार दिए गए हैं वे उत्तर कुरु देश में जन्म लेंगे। धृतराष्ट्र ने आगे पूछा, बेटा तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान बल प्राप्त है जिससे इन बातों को तुम सिद्धों के समान देख रहे हो, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे बताओ। युधिष्ठिर बोले, पिछले दिनों में आपकी आज्ञा से वन में विचरते समय जब मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था उस समय मुझे देवर्षि लोमस जी के दर्शन हुए थे, उन्हीं से मुझे यह अनुस्मृति प्राप्त हुई थी, और उससे भी पहले ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। तब धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर यहाँ जो अनेकों अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं क्या उनके शरीरों का तुम विधिवत दाह करा दोगे? इनमें अनेकों ऐसे होंगे जो ना तो अग्निहोत्री रहे होंगे और ना उनका संस्कार करने वाला ही कोई होगा। यहाँ तो बहुतों के अंत्येष्टि कर्म करने हैं, हम किस किस का करें? राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कौरवों के पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य को तथा संजय, विदुर, युयुत्सु, इंद्रसेन आदि सेवक और सब सारथियों को आज्ञा दी कि आप लोग विधि पूर्वक इन सभी के प्रेत कर्म कराइए जिससे कोई भी शरीर अनाथ की तरह नष्ट ना हो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही ये सब लोग चंदन, अगर, काष्ठ, घी, तेल, सुगंधित द्रव्य और रेशमी वस्त्र आदि सब सामग्री जुटाने में लग गए। उन्होंने टूटे फूटे रथ और तरह तरह के शस्त्रों के ढेर लगा दिए, फिर बड़ी तत्परता से चिताएं तैयार कर उन पर मुख्य मुख्य राजाओं के शव रखकर शास्त्रोक्त विधि से उनका दाह कर्म कराया। राजा दुर्योधन, उनके 99 भाई, राजा शल्य, भूरिश्रवा, शल, जयद्रथ, अभिमन्यु, दुशासन के पुत्र लक्ष्मण, धृष्टकेतु, बृहंत, सोमदत्त, सैकड़ों संजय वीर, राजा श्वेन धनवा, विराट, द्रुपद, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, युधामन्यु, उत्तमौजा, कौशलराज, द्रौपदी के पुत्र शकुनी, अचल, वृषक, भगदत्त, कर्ण, कर्ण के पुत्र कैकेयराज, त्रिगर्तराज, घटोत्कच, अलम्बुश और जलसंध, इन सबका तथा और भी हजारों राजाओं का उन्होंने घृत की धाराओं से प्रज्वलित हुई अग्नि में दाह कराया। किन्हीं किन्हीं के लिए श्राद्ध कर्म भी कराए गए, किन्हीं के लिए सामगान कराया गया और किन्हीं के लिए उनके संबंधियों को
बहुत शोक भी हुआ। उस रात्रि में सामगान की ध्वनि और स्त्रियों की रुदन से सभी जीवों को बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद वहां अनेकों देशों से आए हुए जो अनाथ लोग मारे गए थे, उन सब की हजारों ढेरियां कराकर उन्हें विदुर जी ने घी में भीगी हुई लकड़ियों से जलवा दिया। इस प्रकार सब राजाओं का दाह कर्म करके कुरु राज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को लेकर गंगा जी की ओर चले गए। सब लोग भागीरथी के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने आभूषण और दुपट्टे उतार दिए। फिर कुरुकुल की स्त्रियों ने अत्यंत दुखित होकर रोते रोते अपने पुत्र और पतियों को जलांजलि दी, तथा धर्म विधि को जानने वाले पुरुषों ने भी अपने सुहृदों को जलदान किया।